बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तारिक ज़हीर खान एंड आई एम द लेक्चरर इन ज्योग्राफी इन गवर्नमेंट इंटर बॉयज कॉलेज 36 बी लांडी नंबर 4 कराची। आई एम टीचिंग द सब्जेक्ट ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी इन माय कॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। For the student of the second year of the commerce group, ये जो वीडियो लेक्चर है ये आप तलबा की आसानी के लिए जो है प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप अपनी स्टडी में से हेल्प ले सकें और जो मुश्किल का सामना है हालात की वजह से जो मुश्किल का सामना है उसमें कुछ कमी आ सके। अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, कमर्शियल ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेकेंड ईयर कॉमर्स में पढ़ाया जाता है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पहला हिस्सा कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर वर्ल्ड एंड दूसरा हिस्सा कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर पाकिस्तान का है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही सेक्शन से इम्तहान में सवाल आते हैं। 75 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है कराची बोर्ड के तहत। एम सी क्यूज़ का सेक्शन होता है पहला सेक्शन, उसके बाद जो सब्जेक्टिव सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी सेक्शन सी। सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चंस का होता है और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का होता है। तो इस तरह से आपको अपने पेपर की तैयारी करना है, लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप जो है इस सिलसिले को चला नहीं सकेंगे आगे। आप कोई भी अच्छा स्टूडेंट पहले अपने बुक के बारे में मालूम कर लेता है कि जो किताब हमें पढ़ना है आखिर उसका पैटर्न क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसको किस तरह से पढ़ना है। जब उसका इस तरह से माइंड सेट हो जाता है तो अपने स्टडी को बहुत आसानी से कवर कर लेता है। यही चीज़ प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैं अपने इसमें लेक्चर में। आपकी जो कमर्शियल ज्योग्राफी की किताब है सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वो दो हिस्से पर मुश्तमिल है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर वर्ल्ड एंड कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर पाकिस्तान। अब इनमें जो चैप्टर्स हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कमर्शियल ज्योग्राफी का, कमर्शियल ज्योग्राफी है क्या, इसका किससे ताल्लुक है, क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों ज़रूरत है इसको पढ़ने की। वैसे तो क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है लेकिन ये और भी ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा सकती है अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, जनरल नॉलेज के लिहाज से, और दूसरे अपराध के लिए भी मददगार साबित हो सकता है जो जिंदगी मुख्तलिफ शोबा हयात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें जो चैप्टर हैं इसके बाद जो इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी का चैप्टर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का चैप्टर है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का चैप्टर है जो कि डिटेल में है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी फार्मिंग, इंडस्ट्री, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड एंड डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर इस चैप्टर्स आपके इस टॉपिक के ऊपर चैप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान सेक्शन में जाएं तो पाकिस्तान सेक्शन में भी आपके पास जो चैप्टर हैं, एक तो पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है वो किस तरह से, पाकिस्तान का इंतज़ाम किस तरह से चलाया जाता है, क्या सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इंतज़ामी सिस्टम क्या है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन के हवाले से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी क्राइसिस, ट्रांसपोर्टेशन, इन हमारे से चैप्टर मौजूद हैं जिनकी स्टडी आपको करना है। पेपर के मुताबिक मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसमें एक जो टॉपिक है जो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे डिलीवर करना चाहता हूँ ताकि फेमिलियर भी हो जाएं अपने सब्जेक्ट से किस टॉपिक के साथ, वो हम ले रहे हैं कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर पाकिस्तान से। चैप्टर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का नज़म व नस्क क्या है, इसको पॉलिटिकल सिस्टम, इंतजामी सिस्टम क्या है। एक्चुअली देखें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से दुनिया में छठे नंबर पर आता है, और विकीपीडिया के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ 22 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का रकबा सब जानते हैं 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, जो कि ख़ुद मुख्तार इलाके हैं और जो आज़ाद इलाके हैं जिनका खासतौर आज़ाद कश्मीर में तो अपना वज़ीर आज़म और सदर भी होता है, अगर इनको शामिल कर लिया जाए क्योंकि दिफा और दाखिला के कुछ मामले जो हैं करंसी वो पाकिस्तान की,
81,913 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का टोटल रकबा बन जाता है। पाकिस्तान के लोकेशन अगर मैप पे आप देखना चाहें तो लोकेशन जो है पाकिस्तान की वो 24 डिग्री 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 62 डिग्री 75 डिग्री ईस्ट पर है लॉन्गिट्यूड पर, कि किसी भी मैप पे आपको आसानी से मिल जाएगी अगर आप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिहाज से देखना चाहें। पाकिस्तान के कैपिटल का नाम इस्लामाबाद है, चार सूबे हैं, दो खुद मुख्तार इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, पाटा शामिल है। पाटा को सूबे सरहद में, जो पहले फॉर्मली सूबे सरहद कहलाता था, अब केपी के कहलाता है, खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है। उसमें जो एजेंसी थी उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, कुर्रम एजेंसी, महमद एजेंसी, खैबर एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, साउथ वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, ये इनकी एजेंसीज के नाम हैं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं सूबा सिंध, इसके वज़ीर आला का नाम मुराद अली शाह हैं, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब हैं, स्पीकर सिंध असम्बली के आगा सिराज खान दुर्रानी हैं, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी हैं। सिंध के 7 डिवीज़न हैं और 29 के करीब डिस्ट्रिक्स हैं। सबसे बड़ा डिवीज़न कराची डिवीज़न है, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हैं हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्कर, शहीद बेनज़ीर आबाद और मीरपुर खास डिवीज़न इसमें शामिल है, बंगोर डिवीज़न इसमें शामिल है जो नए बनाए गए हैं। कराची की तरफ आते हैं क्योंकि हमारा तालुक कराची, तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी तफसील होता है, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, मलिर डिस्ट्रिक्ट, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में लांडी, शाहपेशल, मलिर के कुछ इलाके और खुद कोरंगी डिवीजन टाउन आ जाता है। इसके अलावा सेंट्रल, वेस्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट के नाम से डिस्ट्रिक्ट कराची में मौजूद हैं। शहरी गवर्नमेंट है, इसके मेयर वसीम अख्तर साहब हैं, जबकि कमिश्नर कराची जो है वो इफ्तिखार शलवानी साहब। बाकी इसके ज़िलों के जो कमिश्नर होते हैं, तमाम इलाके के जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होते हैं जो उसके निगरा होते हैं, एक इंतजामी होते हैं, जबकि सरकारी सियासी होते जो होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, ये होते हैं। गवर्नर जो है एक्चुअली वो रियासत के नुमाइंदे होते हैं जिनको सदर मुमलिकत अपॉइंट करते हैं, रिकमेंडेशन ऑन दी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई आसानी से। इसके अलावा जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आरिफ अलवी है, वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब हैं, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब हैं, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का नाम गुलजार अहमद साहब। ये आज का लेक्चर हुआ, उम्मीद है कि आपको इससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अगले लेक्चर की हम तैयारी करेंगे, जब तक अल्लाह।